नमस्ते एंड वेलकम टू अ हाउस टू माय होम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ यूजफुल किचन फाइंड शेयर करूंगी। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूं एंड कुछ प्रोडक्ट्स मैंने न्यूली अमेजोन से परचेज किया है। सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल रिव्यू जानने के लिए आप मेरे वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहला प्रोडक्ट है ये स्टैकेबल टी कप सेट। ये सेरामिक का कप सेट है एंड डिशवाशर एंड माइक्रोवेव सेफ होता है। ये कप सेट दिखने में तो अच्छा है ही एंड साथ ही साथ आपका स्पेस भी सेव करता है। ये कप सेट में आपको 4 डिफरेंट डिजाइन के कप्स मिल जाएंगे एंड स्टैकेबल डिजाइन होने की वजह से आप अपने किचन काउंटर टॉप में भी इसे इजीली रख सकते हैं। ये कप सेट ऐसे मेटल स्टैंड के साथ आता है जिसकी हेल्प से आप ये कप को इजीली स्टैक करके रख सकते हैं। ये कप्स 100% फूड ग्रेड सेरामिक से बना हुआ है एंड चीप रेजिस्टेंट है, इसीलिए आप इजीली इसे यूज एंड मेंटेन कर सकते हैं। ये कप सेट को आप अपने किचन काउंटर टॉप, किचन सेल्फ या फिर डाइनिंग टेबल पे भी अरेंज करके रख सकते हैं। ये कप सेट का डिफरेंट डिजाइन एंड कलर ऑप्शंस भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है ये ऑटोमेटिक ग्लास ऑयल डिस्पेंसर। ये नॉन ड्रिप डिजाइन का ऑयल डिस्पेंसर है एंड इसमें आप ऑयल के साथ साथ विनेगर को भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिक ओपन होने वाला लिड मिल जाता है जिसकी वजह से ऑयल ड्रिप नहीं होता है एंड आपका ऑयल बॉटल ऑलवेज क्लीन रहता है। इसमें वाइड माउथ होने की वजह से इसमें ऑयल रिफिल करना एंड इसे क्लीन करना बहुत ही ईजी होता है। नेक्स्ट है ये सेटअप 2 का ऑयल बॉटल्स एंड ये ऑयल बॉटल्स को मैं लास्ट 2 ईयर से अपने किचन में यूज कर रही हूँ। ये ऑयल बॉटल में मेजरमेंट वैल्यू रहता है जिसकी वजह से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें ऑयल रिफिल कर सकते हैं। इसमें भी आपको लार्ज वाइड माउथ मिल जाता है जिसकी वजह से इसमें ऑयल रिफिल करना एंड क्लीन करना बहुत ईजी होता है। ये बोरोसिलिकेट ग्लास से बना हुआ है एंड इसकी कैपेसिटी 500 ml की है। इसमें आप अपने रेगुलर यूज होने वाले ऑयल, विनेगर एंड सॉस को इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें भी आपको ड्रिप फ्री माउथ मिल जाता है जिसकी वजह से किचन में ऑयल स्पिल नहीं होता है एंड आपका किचन ऑलवेज क्लीन रहता है। ये बॉटल का डिफरेंट साइज भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे परचेज कर सकते हैं। फेस्टिव सीजन में घर को डीप क्लीन करने के लिए मैंने रिसेंटली परचेज किया है अगारो एस वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर एंड ट्रस्ट मी, ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी यूजफुल भी लगा, इसीलिए इसका एक डिटेल रिव्यू आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ये 1600 वर्ड्स का एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर है, ये है इसका मेन यूनिट। इसमें आपको 21 लीटर का डर्ट कलेक्टिंग कंटेनर मिलता है एंड इजीली कैरी एंड मूव करने के लिए इसमें एक हैंडल भी होता है। ये पावर बटन को ऑन करके आप इसे यूज कर सकते हैं एंड इसका पावर कॉर्ड 5 मीटर का होता है। ये वैक्यूम क्लीनर के साथ आपको कुछ अटैचमेंट्स भी मिलते हैं। यह है इसका डस्ट कलेक्टिंग बैग, ये 3 लीटर कैपेसिटी का है एंड इसमें आपके सारे ड्राई डस्ट कलेक्ट हो जाते हैं एंड फ्लोर से वैक्यूम किया हुआ लिक्विड ये स्टेनलेस स्टील टैंक पे कलेक्ट होता है जो कि टोटली रस्ट फ्री है। ड्राई वैक्यूमिंग के लिए आप ये फ्लोर ब्रश को यूज कर सकते हैं। इसमें एक बटन होता है जिसे प्रेस करके आप अपने कारपेट ब्रश को यूज कर सकते हैं। ये वैक्यूम क्लीनर बहुत ही एफर्टलेसली आपके कारपेट, फ्लोर्स एंड टाइल से सारे डस्ट को पिकअप कर लेता है। यह इसका एब्जॉर्बिंग ब्रश जिसे यूज करके आप अपने वेट सर्फेसेस को क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत इजीली फ्लोर पे गिरे हुए लिक्विड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर को यूज करके आप अपने घर को एंड फ्लोर को ऑलवेज क्लीन एंड नीट रख सकते हैं एंड वेट वैक्यूमिंग करने से पहले आप अपने डस्ट बैग को रिमूव करना बिल्कुल ना भूलें। इट ऑल्सो हैज ए एक्सटेंडेबल ट्यूब जिसे यूज करके आप अपने घर के हार्ड टू रीच एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक मल्टीपर्पज ब्रश एंड एक क्रेविस नोजल भी मिलता है। ये दोनों ही अटैचमेंट्स को यूज करके आप अपने घर के कोई भी कॉर्नर, डोर, विंडो एंड बहुत सारे हिडन स्पेस को डीप क्लीन कर सकते हैं। इसमें 360 डिग्री स्वेवल व्हील होने की वजह से आप इजीली इसे मूव कर सकते हैं। वैक्यूमिंग के बाद आप ये डस्ट कलेक्टिंग बैग को रिमूव करके इसे क्लीन भी कर सकते हैं। ये वैक्यूम क्लीनर को आप एज ए ब्लोअर भी यूज कर सकते हैं। ब्लोअर को यूज करके आप अपने आउटडोर एरिया से ड्राई लीव्स, डस्ट एंड डेब्रीज को क्लीन कर सकते हैं।
इसके साथ साथ वेट फ्लोर एंड कारपेट को ड्राई करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिंक के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये स्टेनलेस स्टील का चॉपिंग बोर्ड। ये 100% फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है एंड इसमें आपको एक वॉल हैंगिंग हुक भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आप इजीली इसे हैंग करके भी स्टोर कर सकते हैं। इजी ग्रिप के लिए इसके बैक साइड में ऐसे प्लास्टिक लेग्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी जगह से मूव नहीं होता है एंड आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं। ये मल्टी फंक्शनल डिजाइन का चॉपिंग बोर्ड है एंड इसे यूज करके आप चॉपिंग, स्लाइसिंग, डाइसिंग सब कुछ कर सकते हैं। ये ड्यूअल पर्पस डिजाइन का चॉपिंग बोर्ड है एंड इसमें आपको एक स्टेनलेस स्टील का सरफेस एंड एक प्लास्टिक का सरफेस मिल जाता है। इसके प्लास्टिक सरफेस को आप चॉपिंग एंड कटिंग के लिए यूज कर सकते हैं एंड इसके स्टेनलेस स्टील सरफेस में आप स्टोर करने के लिए चीजों को यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ये कॉम्पैक्ट स्लाइसर। ये एडजस्टेबल स्लाइसर के साथ आता है, जिसे यूज करके आप अपने ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्लाइस कर सकते हैं। इसमें डिटेचेबल कंटेनर होने की वजह से इसमें आप चीजों को स्टोर भी कर सकते हैं। स्टडी स्टेनलेस स्टील ब्लेड की वजह से बहुत ही शार्प कटिंग आप इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड स्पेशली ड्राई फ्रूट्स को आप इसमें बहुत अच्छे से चॉप कर सकते हैं। स्टडी एंड स्ट्रॉन्ग होल्डर की वजह से आप बहुत इजीली अपने फूड आइटम्स को इसमें स्लाइसिंग कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं ये स्लाइसर की हेल्प से मैंने कितने अच्छे से अपने ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे चॉप कर लिया है। नेक्स्ट है ये बटर बॉक्स, जो कि लीड के साथ आता है। फ्रीज में बटर को स्टोर करने के लिए एक परफेक्ट कंटेनर है। नॉन स्लिप डिजाइन एंड ट्रांसपेरेंट बॉक्स कवर की वजह से आप बहुत अच्छे से अपने बटर को इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसमें आपको कटिंग ग्रिड भी मिल जाता है, जिसकी वजह से इजीली नाइफ की हेल्प से आप अपने बटर को क्यूब में कट कर सकते हैं। ये कंटेनर में आप हर साइज के बटर स्टिक को स्टोर करके रख सकते हैं एंड कुछ इस तरह से क्यूब के शेप में आप कट करके अपने बटर को इसमें स्टोर कर सकते हैं एंड जब भी जरूरत पड़े आप इसमें से डायरेक्टली बटर क्यूब को निकाल के यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ये सैंडविच कटर सीलर। ये एक बहुत यूजफुल चीज है, स्पेशली जिनके घर में बच्चे होते हैं। ये सैंडविच कटर को यूज करके आप अपने सैंडविच को एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं एंड उसको सील भी कर सकते हैं। इसमें आपको हाई क्वालिटी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील मटेरियल का कटर मिल जाएगा एंड इसकी क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लगी। मैंने 2 डिफरेंट शेप का सैंडविच कटर परचेज किया था। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक कटर भी परचेज कर सकते हैं। ये कटर में आप सिंगल ब्रेड को भी कट करने के लिए एंड प्रॉपर शेप देने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली ब्रेड को ये कटर के अंदर रखना है एंड उसको टाइटली प्रेस करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे मिल्क ब्रेड को यूज किया है, इसीलिए रिजल्ट इसका इतना सेटिस्फाइंग नहीं रहा। बेटर रिजल्ट के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें सैंडविच ब्रेड का ही यूज करें। ये सैंडविच कटर को यूज करके आप अपने घर में ही एक परफेक्ट सैंडविच बना सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कैसे मिनटों में आपका यहाँ पे ब्रेड रेडी हो गया है। एंड कुछ इस तरह से आप डिफरेंट शेप के सैंडविच कटर को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सैंडविच अपने घर पे ही रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये लेजी सूजन, जो कि आपके फ्रीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये 360 डिग्री रोटेट करता है एंड हर टाइप के फ्रीज के लिए ये बिल्कुल स्वेटेबल है। इसके बैक साइड में सक्शन कप्स होने की वजह से ये कोई भी सरफेस को इजीली होल्ड कर लेता है एंड अपनी जगह से मूव नहीं होता है। फ्रीज के अंदर की चीजों को इजीली एक्सेस करने के लिए ये एक बेस्ट ऑर्गेनाइजर है एंड ये ऑर्गेनाइजर को आप अपने किचन कैबिनेट या फिर किचन काउंटर टॉप में भी यूज कर सकते हैं। एंड आज का लास्ट प्रोडक्ट है ये डिफ्रॉस्टिंग ट्रे, जो कि बहुत ही यूजफुल चीज है आपके किचन के लिए। ये ट्रे बहुत ही स्टडी एंड लाइट वेट का होता है एंड आप इजीली इसे डिशवॉशर में भी यूज कर सकते हैं। फ्रोजन मीट एंड फिश को डिफ्रॉस्ट करने में बहुत टाइम लगती है एंड ये ट्रे को यूज करके आप बिना कोई माइक्रोवेव, हॉट वाटर या फिर केमिकल यूज किए बिना बहुत इजीली अपनी मीट एंड फिश को डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। फ्रोजन मीट को डिफ्रॉस्ट करने में काफी टाइम लगती है, लेकिन ये ट्रे के हेल्प से आप 20-30 मिनट्स के अंदर अपने मीट्स को डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।